इमरान पर लगा पीएम मोदी को कश्मीर बेचने का आरोप। पाकिस्तान सरकार पर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कश्मीर को बेचने का आरोप लगाया गया है और सरकार को गिराने के लिए जल्द ही इस्लामाबाद को घेरने की चेतावनी गई है। यह आरोप और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की संयुक्त विपक्ष के मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान सरकार पर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कश्मीर को बेचने का आरोप लगाया है और सरकार को गिराने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी को घेरने की चेतावनी दी। बांग्लादेश ने भारत का आंतरिक मामला बताया। बांग्लादेश का कहना है कि भारतीय सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाना भारत सरकार का आंतरिक मुद्दा है। हमने हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने वाले सिद्धांत के बाद की वकालत की है। सभी देशों के लिए विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी देशों को चाहिए कि वह अपने विवादों को सुलझाकर विकास पर ध्यान दे। चीन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया पुराना दोस्त। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल और 3 साल बढ़ाने पर चीन ने बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि वह चीन सरकार का पुराना दोस्त है जिसने द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नवंबर 2016 में जनरल बाजवा को सेना अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण को देखते हुए उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।